अस्सलाम वालेकुम मेरी भाई, क्या हाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ तो बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम एक बार फिर एम क्यू कुकिंग में। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी ये फ्राई बिस्कुट्स, आप लोग बिस्कुट्स भी कहते सकते हैं और टिकिया भी। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो हमें चाहिए यहाँ पर 2 कप मैदा। मैदे को आप लोग छान लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, साथ में हम ऐड करेंगे 1/4 ऑयल। उसके बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से शेप में, अगर आटा हमारे हाथ में आ जाता है यानी कि मैदा हमारे हाथ में डेट्स मीन्स के ये अच्छा से गूंदेगा। आपने मिक्स करा है, उसके बाद जो है थोड़े थोड़े पानी से जो है हम इसको गूंद लेंगे। डो जो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो हम स्ट्रे करने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, 15 मिनट स्ट्रे के बाद ये देखें डो जो है हमारी बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। इसको हमने टाइट ही गूंदना है। अब यहाँ पर जो है मैंने लिया है चीनी, पीसी हुई चीनी ली है 1/2 कप। इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसकी भी इसको भी गूंद देंगे। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। उसके बाद जो है अब इसमें हम ऐड करेंगे कलर। कलर को पानी में घोल लिया था, इससे ये होगा इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और येलोइश बनेंगी। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर चीनी और हमारा कलर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन ये है कि अच्छे से इसकी कलर आ जाएगा। उसके बाद जो है अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे एक बार फिर से। और यहाँ पर जो है अब बेलन की मदद से इसको बेलेंगे। आप लोग किसी भी शेप में बेल सकते हैं। उसके बाद जो है हमने इसको शेप देनी होगी। तो यहाँ पर अगर आपका स्टिकी करे आटा तो आप लोग ऑयल या मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने राउंड शेप का एक ले लिया है कटर, तो हम इसकी मदद से जो है कटिंग करेंगे। अब आप कोई भी शेप का कटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल में ही करेंगे। यहाँ मेरे पास कुंगरे वाला था तो मैंने उसी से ही करना है। तो थोड़ा थोड़ा एक जगह रख कर हम इसको शेप कटिंग कर देंगे। जो है आटा थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा वरना तो ये कड़क हो जाएंगे। तो हमने इसको सॉफ्ट सी ही बनानी है, तो इसको हमने थोड़ा सा थिक रखना है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है हमने तेल को गरम कर लिया है और यहाँ पर एक छोटा सा जो है आटा मैंने डाल के चेक करा था, तेल हमारा बिल्कुल गरम है। तो इसे हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे और फिर बाद में स्लो कर देंगे। उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करते रहेंगे। साथ के साथ हम इसको टर्न ऑफ भी करते रहेंगे क्योंकि ये तेज़ी से बनती हैं। और यहाँ जो है फ्लेम जो है थोड़ा कम कर लेंगे। आप लोग का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका आया है।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारी बिस्कुट जो है बिल्कुल फ्राई होने पर आ गए हैं। आप लोग देखिएगा, ये अभी फ्राई होकर आएंगे तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होंगे, ड्राई फ्री ऑयल होंगे होगा इसमें। तो यहाँ पर जो है देखें, बिल्कुल हमारी रेडी है। अब टिक्किया या बिस्कुट, तो जो भी आप इसको नाम देना चाहें, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से अगर आप लोग ओवन पर भी बेक करना चाहें तो बिल्कुल ओवन पर भी इस तरह से बेक हो सकती है। उसके बाद जो है अब हम दूसरा बेच तैयार कर लेंगे। दूसरा बेच भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। मज़ेदार से इंस्टेंट मैदे के बिस्कुट हमारे बिल्कुल रेडी हैं, जो कि बहुत हेल्दी भी हैं और बड़े छोटे सब शौक से खाएंगे। आप लोग बना के इसको रख सकते हैं, काफ़ी अरसे के लिए सेफ रहते हैं। तो अब दे मुझे ज़्यादा रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो। अल्लाह हाफिज़।